अखंड नगर कादीपुर सड़क मार्ग पर देर रात घर लौट रहे व्यक्ति की कनपट्टी पर असलाह सटा कर गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नजदीक के पौधन रामपुर निवासी जितेंद्र उर्फ पिंटू सिंह सूत्र राजा राम सिंह के रूप में हुई। बताते चले कि पिंटू उर्फ जितेंद्र अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल से प्रतिदिन एक ही समय रात्रि में अकेले आता जाता था। इसी तरह सोमवार की देर रात करीब 11:45 बजे वह रघुवीर नगर पहुंचा, तभी बाइक सवार कुछ लोगों ने पिंटू को ओवरटेक कर पिंटू को बाइक को रुकवा लिया और बदमाशों ने युवक की कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। भीड़ ने एम्बुलेंस और पुलिस को घेर लिया और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख कर कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। वारदात के बाद जब स्थानीय लोगों ने घटनास्थल के घटनास्थल से अखंड नगर थाने पर फोन किया तो सीयूजी नंबर बंद बता रहा था। लोगों ने डायल 112 की टीम को मौके पर बुलाया और सूचना पर कादीपुर की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसके काफी देर बाद अखंड नगर की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त था। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 के लिए ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। पिताजी का जो हत्या हुई है वो आप कौन थे? पिताजी थे। तो इसके पहले कोई रंजिश कोई बात थी? रमेश ये कौन है? जायसवाल और रमेश वर्मा। ये कौन है? अच्छा, कहाँ के? तो आए थे मेरे पास पिताजी को समझाने के लिए, नहीं तो फिर अंजाम देखा। तो काहे के लिए समझाने? कुछ बात हुई थी गाँव में। अच्छा, गांव में, यहाँ पौधन में। अच्छा, तुम्हारे पास कहाँ गए थे? कादीपुर। तो ये कितने दिन थे? 15-20 दिन। तो वो चीज़ें आप पिताजी बताए थे तुमने? अच्छा, क्या नाम है आपका? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। अच्छा, ये जो हत्या हुई है ये कौन थे आपके? पुत्र। क्या नाम था इनका? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार सिंह। और पिंटू। अच्छा, ये कब लगभग ये घटना हुई आपको पता चला है? आपको पता चला है करीब 10:30 का। तो ये यहाँ रहते थे? कादीपुर रहते थे। कादीपुर। तो दिल्ली आते जाते थे क्या घर के? हाँ, दिल्ली आते। तो कल भी हम जा रहे थे घर? घर जा रहे पीछे से जाके।